भाई रिसेंटली ना हमने इतनी सारी यहाँ पर जो स्मार्ट वॉचेस का रिव्यू किया, जिसमें से ज्यादातर जो स्मार्ट वॉचेस थी वो थी भाई लग्जरी स्मार्ट वॉच, जिसमें आपको मेटल स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं। लेकिन आज जिस स्मार्ट वॉच के बारे में बात कर रहे हैं वो यहाँ पर सबसे सस्ती स्मार्ट वॉच है जो मेटल स्ट्रैप्स के साथ आती है, और इसका नाम है फायरबोल्ट एनकोर। और ये स्मार्ट वॉच का प्राइस है भाई 1799 रुपए। तो कैसी स्मार्ट वॉच है आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। लेकिन वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले भाई देख सकते हो ये कुछ इस तरह के बॉक्सेस में आती है। तो मेरे पास यहाँ पर एक ब्लैक कलर है और एक रोज गोल्ड कलर है जो इसके बॉक्स पर लिखा है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा ऐसे गोल्ड टाइप का लग रहा है। और जो ब्लैक वाली है ऑलरेडी अनबॉक्स करके मैंने इसे पहन लिया है, तो देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिखती है। लेकिन यहाँ पर जो रोज गोल्ड वाली है इसको अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो मिलता है 1.83 इंच का स्क्वायर डिस्प्ले, और इसके बॉक्स के ऊपर इसके बाकी फीचर्स लिखे हुए तो वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो जल्दी से ये जो बॉक्स है इसे ओपन करते हैं। और जो वॉच है ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है। यहाँ पर जो मॉड्यूल है वो अलग दिया हुआ है, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। एक बार इसको साइड पे रखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो इसके स्ट्रैप्स हैं वो अलग हैं, और ये भी कुछ इस तरह से। इन मेटल स्ट्रैप्स को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर पिन 7 में दी हुई है, साथ में यहाँ पर ये चार्जिंग केबल है, और ये जो मेटल स्ट्रैप्स एडजस्ट करने के लिए आपको एक टूल भी दिया हुआ है, और हमेशा की तरह यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, तो यूजर मैनुअल, सब्सक्रिप्शन प्लान, वारंटी इन्फॉर्मेशन। तो ये इसके बॉक्स के कंटेंट है। जल्दी से भाई ये जो स्ट्रैप्स है उन्हें मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। थोड़े से ये मेहनत लगेगी भाई अलग से लगाने के लिए। इनके ऊपर यहाँ पर ये जो स्टिकर से लगे हैं तो उनको मैं हटा देता हूँ। और वॉच का जो मॉड्यूल है देख सकते हो वो कुछ इस तरह से है। वैसे यहाँ पर काफ़ी सही दिख रहा है, फ्लैट यहाँ पर एजेस हैं, और इसके जो स्ट्रैप्स हैं इनको भी मैं हटा देता हूँ। वैसे तो देखो ब्लैक वाली मैं ऑलरेडी यहाँ पर इसके जो स्ट्रैप्स वगैरह इंस्टॉल कर ही चुका हूँ, लेकिन ये जो रोज गोल्ड वाली है ये भाई कुछ इस तरह से दिखती है जो स्ट्रैप इंस्टॉल करने के बाद। देख सकते हो जो लुक है इनकी काफ़ी प्रीमियम सी है। सबसे पहले तो इस वॉच में आपको पूरी मेटल बिल्ड क्वालिटी मिलती है। चेन जो स्ट्रैप्स हैं वो भी यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील में ही देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी के चेन स्ट्रैप्स हैं, ब्रश मेटल यहाँ पर जो टेक्सचर है, और किसी तरह से जैसे यहाँ पर आवाज़ नहीं करती है कहीं जो वॉचेज रहती हैं। बाकी ओवरव्यू की बात करें तो 1.83 इंच और डिस्प्ले रहेगा, उसमें ऊपर देख सकते हो जो थोड़ा सा कर्व ग्लास है, साइड में यहाँ पर इसका जो एक बटन सा है, माइक्रोफोन्स रहेंगे पीछे की तरफ इसके सेंसर्स, और यहाँ पर आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी। और ये जो स्ट्रैप्स हैं ये बकल स्ट्रैप्स हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये फिट हो जाते हैं। तो ओवरऑल डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर इन वॉच की 1799 रुपये में आपको इस तरह की वॉच मिल रही है, तो ये काफ़ी सही है। अगर आपको इस तरह के स्मार्ट वॉचेज के लुक पसंद है डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन है। लेकिन जल्दी से अब इन वॉचेज के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो ब्लैक वाली ऑलरेडी मैं यहाँ पर यूज कर रहा था तो इसी में इसके फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई सबसे पहले तो इस वॉच का जो डिस्प्ले है, जैसे मैं बताया था 1.83 इंच का है, और दिखने में ये जो डिस्प्ले है मैं बोलूंगा कि वैसे काफी सही है। 240x286 पिक्सल के आसपास की रेजोल्यूशन है, और यहाँ पर जो बेजल्स वगैरह है उसको अगर दिखाऊं मैं तो मैं एक टॉर्च यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर जो बेजल्स हैं ऊपर और साइड में थोड़े कम बेजल है, नीचे हल्का सा आपको चेन मिलेगा। और ब्राइटनेस की बात करूँ तो वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी है, तो आई थिंक 500 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस रहेगी। लेकिन इस वॉच को अपने फ़ोन के साथ पेयर करने के लिए अपने फ़ोन में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होता है, द फिट, और ये ऑलरेडी हम बहुत सारी वॉचेज में कवर कर चुके हैं। इससे आप यहाँ पर इसके जो वॉच फेसेस वगैरह भी चेंज कर सकते हो। और वॉच फेस की बात करें तो जैसा आप देखते हो ये जो वॉच फेस है मैंने इसकी ऐप के थ्रू इंस्टॉल किया था, टैप करके कलर भी चेंज करता है। वैसे इसको चेंज करना हो तो इसके स्क्रीन को होल्ड करके भी आप यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे जो वॉच फेसेस लगा सकते हो। बाकी इसकी ऐप में आपको बहुत बड़ी सी एक लाइब्रेरी दी हुई है वॉच फेसेस की, या फिर अपनी कोई फोटो लगानी तो वो भी आप लगा पाओगे। बाकी वॉच के फीचर्स की बात करें तो नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल है, ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो एक टॉगल बटन है, ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, सेटिंग का ऑप्शन है लेकिन इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो शॉर्टकट कार्ड है, तो एक्टिविटी का ऑप्शन है, हिस्ट्री वगैरह देख पाओगे स्वाइप करके। उसके अलावा स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट, SPO2, वेदर की इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 5 डेज का फोकस यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो कॉलिंग के ऑप्शन हैं। प्लस के बटन टैप करोगे तो और भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर शॉर्टकट कार्ड, जैसे यहाँ पर प्लेयर ऐड कर लेते हैं लेकिन किसी को रिमूव करना हो तो होल्ड करके यहाँ पर रिमूव भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो ये शॉर्टकट मेन्यू है, तो रिसेंट जो एप्स रहेंगी, टाइम, डेट, वेदर इन्फॉर्मेशन जल्दी से दिख जाएगी। मेन्यू एक्सेस करने के लिए आपको ये जो बटन है इसे प्रेस करना है, और ये मेन्यू आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा हनीकॉम ग्रिड स्टाइल में। सेटिंग में जाकर वैसे ये जो मेन्यू स्टाइल है आप चेंज भी कर सकते हो, उसके लिए मेन्यू व्यू में जाना होगा, और यहाँ पर आपको 2 मेन्यू स्टाइल दिए हैं तो लिस्ट स्टाइल है तो इसको चूज कर लेते हैं। बाकी इस मेन्यू का जो टच रिस्पॉन्स है वो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, कोई यहाँ पर लैग स्टटर नहीं दिख रहा है। स्पोर्ट्स मोड, फोन कॉल, स्लीप, हार्ट रेट, SPO2, एक्सरसाइज, यहाँ पर आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर नीचे प्लस के बटन टैप करोगे तो और भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर उसके बाद वेदर इन्फॉर्मेशन, मैसेज, शटर, टाइमर, ब्रीथ का ऑप्शन है, अलार्म, प्लेयर, स्टॉप वॉच, फ्लैश लाइट, फाइंड, इनबिल्ट कुछ गेम्स आपको दी हुई हैं, आई थिंक 3 के करीब हैं तो ये टाइम पास कर सकते हो। अदर में जाएंगे तो यहाँ पर सेटिंग्स हैं, जैसे यहाँ पर आपको डिस्प्ले के सेटिंग्स दिख जाएंगी, ब्राइटनेस, ऑटो, स्लीप,
वॉच फेस, वॉच मेन्यू, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। डू नॉट डिस्टर्ब, लो पावर मोड, सिस्टम में जाएंगे तो रीस्टार्ट पावर ऑफ और रीसेट का ऑप्शन है। तो फीचर जैसा आप देखा फायरबोल्ट एनकोर में, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि बेसिक आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर वगैरह जैसे आप थोड़ा यूज़ करते हो तो वो यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा। बाकी मेरे को लगता है कि गेम्स वगैरह अगर आप खेलना चाहते हो वो खेल सकते हो, लेकिन इसके अलावा इसमें जो आपको हेल्थ रेटेड फीचर मिलते हैं हार्ट रेट, SPO2, वो मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले ये जो वॉच है ऑब्वियसली अपने रिस्ट साइज के हिसाब से अगर आपने एडजस्ट कर लिया तो कुछ इस तरह से आप इसको पहन सकते हो, देख सकते हो काफ़ी यहाँ पर स्नग फिट है। और यहाँ पर हेल्थ रेटेड फीचर चेक करने के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा स्नग फिट ही चाहिए होगा। बाकी पहनने के टाइम ये जो वॉच है देख सकते हो इसकी जो इन हैंड लुक रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है, मेटल स्ट्रैप्स हैं तो ये अच्छे खासे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप रात को पहन कर सोते हो वॉचेस को तो उसके हिसाब से ये थोड़ी सी हैवी है, पूरी मेटल यहाँ पर जो बिल्ड आपको देखने को मिल रही है, बाकी दिखने में काफी सही है। बाकी इसका जो हार्ट रेट SPO2 चेक कर लेते हैं और अपनी फिंगर में मैं एक ऑक्सीमीटर भी लगा लेता हूँ कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हम हार्ट रेट चेक करेंगे और मेरे यहाँ पर ऑक्सीमीटर में जो दिखा रहा है इस टाइम पर बीट पर मिनट वो दिखा रहा है भाई 98, थोड़ी सी हाई लग रही है वैसे, लेकिन देखते हैं भाई जो वॉच क्या दिखाती है। और यहाँ पर इसने दिखाया भाई 95, यहाँ 97, 96, 95, देख सकते हो भाई वैसे काफ़ी क्लोज सी रीडिंग्स हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इसमें आपको जो SPO2 मीटर मिलता है तो उसको भी चेक कर लेते हैं और उसको भी यहाँ पर ऑक्सीमीटर से ही कंपेयर करेंगे। ऑक्सीमीटर में इस टाइम पर दिखा रहा है भाई 96%, वॉच में यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा दिया, यहाँ पर भी दिखा दिया भाई 96%, इवन दो यहाँ पर आपको जो ग्रीन सेंसर ही मिल रहा है, रेड सेंसर यहाँ पर नहीं दिया वॉच में। बाकी हवा में अगर आप ये वॉच रखते हो तो किसी तरह से ये कोई रीडिंग शो नहीं करती है, तो यानी कि आपको यहाँ पर एक वेयर डिटेक्शन वाला फीचर दिया हुआ है। बाकी SPO2 के लिए भी जैसे मैं यहाँ पर इस पर चेक कर रहा हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर ये एरर शो कर देता है, तो वेयर डिटेक्शन वाला फीचर मिलता है यहाँ पर। लेकिन हर बार की तरह बोलता हूँ ये जो वॉचेस हैं भाई मेडिकल इक्विपमेंट है, तो अगर आप इनको यूज करते हो ना हेल्थ रिलेटेड फीचर के लिए मेनली, तो मैं बोलूँगा कि भाई सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज किया करो। उसके बाद यहाँ पर ऑब्वियसली कॉलिंग का फीचर भी है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। जानकारी के लिए और जैसा आप सुन सकते हो यहाँ पर स्पीकर का वॉल्यूम है यहाँ पर इस टाइम पे फुल है, लेकिन जो स्पीकर की जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर काफी बढ़िया है, काफी अच्छा खासा लाउड है, तो इंडोर हो आउटडोर हो यहाँ पर कॉल लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। माइक की क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी आप सुन सकते हो। तो अब जो आवाज आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो भाई फायरबोल्ट एनकोर के माइक्रोफोन से, और माइक कुछ इस साइड पर ही है, और माइक की क्वालिटी जैसा आप सुन पाओगे अगर मैं इस तरह से हाथ रखकर बात करता हूँ तो कुछ ऐसी रहती है, सामने वाले को भी इसी तरह से सुनाई देगी, और अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो कुछ ऐसी रहती है माइक की क्वालिटी। आपको कैसी लग रही है माइक की क्वालिटी वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप करना चाहो जल्दी से कर दो। बाकी नोटिफिकेशंस की बात करें तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आती है, कॉलर का नाम आ रहा है, ये जो वॉच है इस टाइम पे भाई रिंग कर रही है, वाइब्रेट भी कर रही है, और इसको साइलेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं कॉल उठा लेता हूं। और SMS नोटिफिकेशंस की बात करें तो वो कुछ इस तरह से मिलेगी आपको, तो हिंदी और इंग्लिश टेक्स्ट सपोर्ट है लेकिन यहाँ पर इमोजी का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, बाकी क्विक रिप्लाई वाले ऑप्शंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। और उसके अलावा कुछ और फीचर्स की बात करें तो इस वॉच में आपको यहाँ पर IP67 की रेटिंग मिलती है, तो ये स्प्लैश रेजिस्टेंट है लेकिन पानी वगैरह में इसको लेकर मत जाना। बाकी बैटरी बैकअप की बात करें तो 5 दिन का बैटरी बैकअप आपको मिलता है विदाउट कॉलिंग, 2 से 3 दिन यहाँ पर ये विद कॉलिंग चल जाएगी। तो ये है भाई फायरबोल्ट एनकोर। सबसे पहली चीज तो भाई देखो 1799 रुपए इसका प्राइस है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर काफी अच्छी खासी दिखने वाली मेटल बिल्ड क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो ये वॉच आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको इस तरह की लुक पसंद है। बाकी फीचर वगैरह यहाँ पर आपको बेसिक फीचर ही मिल रहे हैं, मतलब जो इस प्राइस में मिलने चाहिए वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन कैलकुलेटर है या फिर जैसे कहीं स्टॉक वगैरह भी जैसे कहीं आजकल ट्रैक करते हैं वॉच ने, तो वो यहां पर आपको नहीं मिलेगा। हेल्थ रेटेड फीचर जैसा हमने देखा, वैसे अपना काम करें लेकिन ज्यादा वॉचेस पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो, बट ओवरऑल 1799 रुपए में अगर आपको एक मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ अगर कोई वॉच चाहिए तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। आई थिंक सबसे सस्ती स्मार्ट वॉच है मेटल वाली पूरे चैन स्ट्रैप्स के साथ। और अगर आपने इस वॉच को परचेज करना होगा तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो आपको कैसे लगी है फायरबोल्ट एनकोर या मुझे कमेंट करके बता दो, लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको